No. I mean to say, we'll love to host you warmly. I went to Indian Science Congress. तो वहाँ पे उन्होंने मुझे कहा कि यू आर क्वाइट एक्साइटेड अबाउट जियोलॉजिकल अवेयरनेस, टेक अवर फ्लैग एंड बी दी अवर एम्बेसडर. एंड तो मैंने सोचा ऐसे ही बात कही है, तो मैंने कहा डोंट वरी, आई ऑलवेज डन इट सिंस स्टूडेंट डेज एंड आई ऑलवेज डू इट. एस वी श्रीकांतिया सेंट मी ए फॉर्मल लेटर एंड ही आस्क्ड मी फॉर बजट, आई सेड डोंट नीड एनीथिंग. एंड we celebrated that launch of that program in 2003 on Amar Sahni's 104th birthday. And वैसे चला, by chance 2004 की IGC जो फ्लोरेंस वाली थी उसमें एक थीम था जियोएथिक्स. मैंने सब बातें जो हम अभी कर रहे हैं वो जियोएथिक्स में, मुझे लेक्चर का स्लॉट नहीं मिला तो मैंने पोस्टर बना लिया. और वो पोस्टर में क्या है, आप सारा दिन बोलते हो, तो बाई चांस मेरी ये बातचीत वॉज नोटिस्ड. एंड करते करते मुझे एक ज़्यादा ख्वाब आने लगे जियो हेरिटेज के. और मैंने वहाँ पे भी बोला था, किसी ने मेरा नाम दे दिया सिंसिनेटी यूनिवर्सिटी में कि क्रेजी जियोलॉजिस्ट इज ऑन सबैटिकल. तो दे मेड मी ए मेम्बर ऑफ द US नेशनल कमेटी ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लैनेट. ओके, तो मैं वहाँ पे ये बोल के आया था ये बात कि आपकी एज ए जियोलॉजिस्ट एक सोशल दायित्व तो है कि आप जनसाधारण को वो मजा करवाइए जो आप मजा करते हो. और जो हेरिटेज का जो आर्टिकल छोटा सा मैंने करंट साइंस में डाला था, वो आर्टिकल आप देखिए कभी कभी बहुत ऊपर तक बात जाती है. कलाम साहब ने उसको 2006 में एंड उन्होंने कोई मेल डाली थी, जब कहीं मुझसे डिलीट हो गई कैसे हुआ, कि देन वे बैक इन इंडिया वॉन्ट टू मीट यू. और हमने जाके उनको, मंजीत मजुमदार और हम दोनों गए अपना लैपटॉप लेके, हमने राष्ट्रपति जी को अच्छा खासा भाषण ठाड़ा. उन्होंने डॉक्टर गोयल को और साइंस सेक्रेटरी को बोला फोन, वो कहते ही इज वॉक विद मी, ही डिडंट से कि मैं प्रेजिडेंट हूँ उसको बोल रहा हूँ, ही सेड यू नो ही इज वॉक विद मी. तो हमने कहा ये बाबू लोग सुनते नहीं हैं. तो ये नहीं, अब 3 घंटे हमने गोयल साहब को, मंजीत ने और मैंने लेक्चर पिलाया कि आप तो इसको पुश करिए. हमने अपनी पेन ड्राइव उनको सब कुछ दी, उन्होंने वादा किया था, पर चली है गाड़ी आगे. और अब तो आप बिल्कुल ड्राइवर सीट में हो. बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ फिलिप बॉटनी के डायरेक्टर और वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जोर, बीरबल साहनी और वाडिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, तो आप तो बिल्कुल भरी स्टॉलवर्ट के, नहीं अब तो आप भरी हुई बंदूक हो. So, नहीं जरूर हम काम कर रहे हैं अभी. अलाउ ओल्डीज लाइक अस टू असिस्ट यू इन दिस एंड टुगेदर वी कैन मेक ऑल द स्कूल्स, फोकस शुड बी ऑल द स्कूल. जब आपने स्कूल के बच्चों को डिजास्टर मैनेजमेंट सिखा दी, जो हेरिटेज की वैल्यू सिखा दी, फॉसिल्स के कलेक्शन करवा दी गांव-गांव में, उस दिन जियोलॉजी वो आज हमारा काम चल रहा है बीएसआईपी में. हमने सीपीजीजी सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ जियो हेरिटेज एंड जियो टूरिज्म, एक हमने एक सेल बनाया है. उस सेल के तहत हमने अभी 5 स्टेट में काम हमारा चल रहा है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, गुजरात, राजस्थान में हम करने वाले हैं. तो वहाँ हम ऐसी जियो हेरिटेज साइट का डेवलपमेंट करते हैं. तो गाँव वालों के साथ हम संवाद करते हैं, उनको समझाते हैं, उनसे एक्चुअली जहाँ ये डायनासोर के अंडे मिलते हैं या एमोनाइट्स मिलते वहाँ पे हैं, वो तो हमसे ज्यादा जानते हैं, हिंदी और बातचीत करते हो. हाँ, तो अंग्रेजी से हिंदीकरण जो है हमारी बातचीत का बहुत जरूरी है. अंग्रेजी में आप इस देश को विज्ञान नहीं पढ़ा सकते, आपको ओरिजिनल लैंग्वेजेस में ही बात करनी होगी. तो वी होप टू रिमेन इन टच एंड जो ज्ञान आपने और तजुर्बा आपके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो अगर आप हमसे शेयर करेंगे तो काइंडली आई विल बी एबल टू ऑल्सो शेयर इट अक्रॉस विद माई ऑडियंसेज, डिजिटल ऑडियंसेज और फिजिकल ऑडियंसेज. महेश, इट वॉज ग्रेट टू हैव यू हियर एंड वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू. फॉर मी आल्सो इट इज ग्रेट प्रिविलेज. माई वाइफ एंड आई वी आर वेरी हैप्पी दैट यू केम हियर. जो हमारा वो जो डाइनिंग टेबल है बहुत पुराना है, तो बहुत दुनिया के बड़े बड़े जियोलॉजिस्टों ने. So, thank you so much. Okay, God bless you. God bless you.